हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर ब्लॉग एंटरटेनमेंट। अभी हम यहाँ खड़े हैं गया जंक्शन पे, राजगीर जाने की तैयारी में हैं। अभी रात का 1 बजने वाला है, 1:35 में हम लोग का ट्रेन है, तो अभी आधा घंटा लगभग और इंतज़ार करना पड़ेगा ट्रेन का। वीडियो में आगे तक बने रहें, और जो भी अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यहाँ पर गया जंक्शन का बोर्ड लगा हुआ है, तो आज हम आपको पूरा राजगीर घुमाएंगे। ग्लास ब्रिज, नेचर सफारी और जू सफारी का टिकट कैसे खरीदेंगे उसको भी आगे वीडियो में पूरा डिटेल से बताएंगे। मेरे दोस्त लोग भी मेरे साथ में ही चल रहा है। अभी हम लोग यहाँ ट्रेन का वेट कर रहे हैं, 15 से 20 मिनट में यहाँ पर हम लोग का ट्रेन आ जाएगा। हम लोग का ट्रेन यहाँ पर आ चुका है, वाराणसी से राजगीर ट्रेन जाती है। चलिए देखते हैं यहाँ पर सीट मिलता है या नहीं मिलता है ट्रेन के अंदर। अंदर में चलते हैं और फिर हम आपको डायरेक्ट राजगीर जंक्शन पे आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हम लोग लगभग 5 घंटा का सफ़र करके राजगीर जंक्शन पे यहाँ पे हम लोग उतर चुके हैं, और ये राजगीर जंक्शन का यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। यह जंक्शन काफ़ी छोटा जंक्शन है, सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है यहाँ राजगीर जंक्शन पे, काफ़ी छोटा रेलवे स्टेशन है। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और स्टेशन पे कौन कौन से चीज़ का सुविधा है वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। रात के समय ट्रेन में सफ़र करने का एक और भी फायदा होता है, दिन के अपेक्षा रात में कम भीड़ रहती है ट्रेन में, तो सीट मिलने का चांस भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। हम लोगों को तो सीट काफ़ी आसानी से मिल गई थी, यहाँ तक का तो सफ़र हम लोगों का काफ़ी बढ़िया रहा। इस जंक्शन पर यहीं पर रेल पुलिस थाना है, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहीं पर आगे में वेटिंग हॉल भी है जंक्शन पे ही, और आगे में यहाँ शौचालय का भी सुविधा है, सरकारी शौचालय है। अभी सुबह का 6:40 हो रहा है, लगभग 5 घंटा का सफ़र हम लोग ट्रेन में किए हैं। 5 घंटा के सफ़र के बाद हम लोग यहाँ राजगीर जंक्शन पे पहुँचे हैं, तो यहीं पर आगे इंक्वायरी भी है, यहाँ पर आप पूछताछ कर सकते हो। टिकट काउंटर भी यहीं पर है, टिकट भी आपको यहीं से मिलेगा। बाहर से राजगीर जंक्शन का लुक पटना जंक्शन से कॉपी किया हुआ है, काफ़ी छोटा सा जंक्शन है, पटना जंक्शन इतना तो बड़ा नहीं है, काफ़ी छोटा सा जंक्शन है, लेकिन बाहर का जो बाउंड्री है वो पटना जंक्शन का कॉपी किया हुआ है। यही जंक्शन के बाहर में ही आपको हर जगह जाने के लिए ऑटो का सुविधा मिल जाएगा, ऑटो टमटम सारा चीज़ यहाँ पर मिल जाएगा। अगर बाइक से आते हो तो उसके लिए यहाँ पर पार्किंग भी बना हुआ है, यहाँ पर पैसा देकर आप बाइक भी पार्क में। यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट का भी सुविधा है, सरकारी टॉयलेट तो काफ़ी गंदा रहता है, लेकिन यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट में आप जा सकते हो। तो हम लोग को यहाँ पे गाड़ी आ गया है, तो टोटो से ही निकलते हैं हम लोग। जब राजगीर पहुँचे तो यहाँ के स्थानीय लोगों से पता चला कि जंगल सफारी और नेचर सफारी का जो टिकट है वो काउंट कर जाता है, तो अगर आप लेट से वहाँ पहुँचोगे तो आपको नेचर सफारी और जंगल सफारी का टिकट वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो ग्लास ब्रिज का भी आप आनंद वहाँ पर नहीं ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच तो गए हैं, काफ़ी लंबा लाइन यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ हम लोग 7 बजे पहुँच गए, फिर भी यहाँ पे काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है, यहाँ लगभग 4 बजे से ही लाइन लग जाता है। टिकट लेने के लिए यहाँ पे लोग 4 बजे ही आ जाते हैं, तो अगर आप लेट करोगे तो आपको यहाँ पे टिकट मिलेगा भी नहीं। बाहर में ही यहाँ पे समोसा चाट सुबह का नाश्ता के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, खाने के लिए छोटा छोटा सा यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ है, चाय का भी सुविधा है यहाँ पे है, चाय भी यहाँ पे आप पी सकते हो, मास्क भी यहाँ पे मिल जाएगा, अगर आप मास्क लेना चाहते हो तो यहाँ पे मास्क भी मिल जाएगा। तो हमारे दोस्त यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं टिकट के लिए, देखिए नंबर कब तक आता है, बाहर में तो बैरिकेड किया हुआ है, वहीं से फिर लाइन स्टार्ट है, काफ़ी लंबा लाइन लगा हुआ है। बाहर से तो सारे लोग यहाँ पर बैरिकेड से अंदर कर दिया है, अंदर बाउंड्री तो अंदर कर दिया है, तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर में और फिर अंदर में आपको दिखाते हैं। बाहर से यहाँ तो कुछ इस तरह का नज़ारा है यहाँ का, और ये मेन गेट है, इसके अंदर ही टिकट मिलेगा। अंदर में जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ काफ़ी बड़ा ग्राउंड जैसा बना हुआ है,
काफी बड़ा यहाँ पे स्पेस घूमने के लिए बना हुआ है। ये जो सामने आपको दिख रहा है यहीं से आपको टिकट भी मिलेगा, टिकट काउंटर यहीं पर है। पहले बाहर में लाइन लगाया, अब अंदर लाया तो अंदर में भी यहाँ पे लाइन आपको लगना पड़ेगा। काफ़ी मुश्किल से यहाँ पे टिकट आपको मिलेगा, अंदर में भी काफ़ी देर तक यहाँ पे पता नहीं कब टिकट काउंटर खुलेगा। यहाँ पर हम लोग 7 बजे आए हैं, 2 घंटा खड़ा रहने के बाद यहाँ पर हम लोग को टिकट तो मिल गया है, लेकिन वो भी सिर्फ जंगल का टिकट मिला है, नेचर सफारी का टिकट शॉर्ट कर गया है। 100 रुपया इसका टिकट चार्ज लगा है। अगर आप लोग यहाँ घूमने आते हैं तो सुबह 4 बजे यहाँ लाइन लगना पड़ेगा, वरना टिकट यहाँ पे नहीं मिलेगा। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।